हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रहा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट आर इन पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन प्रॉफिट व्हिच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। आर ब्रिंग इन कैश रुपीज 2,50,000 एज अ कैपिटल एंड रुपीज 1,80,000 एज गुडविल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, क्वेश्चन में बता रखा है कि पी क्यू दो पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 2:1 है। इन्होंने आर को पार्टनरशिप में एडमिट किया है 4/9 शेयर के साथ, जो कि एक्वायर किए गए हैं पी और क्यू से इक्वली। अब यहाँ पे आर ने बिजनेस में कैश लाया है 2,50,000 का एज अ कैपिटल और 1,80,000 की गुडविल लाया है। आपको जनरल एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। अब देखिए, यहाँ पे पहले एक कंसेप्ट को समझ लीजिए कि देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1 की। आर को पार्टनरशिप में एड किया गया है 4/9 शेयर के साथ और आर लाया है बिजनेस में 2,50,000 रुपीज कैपिटल के तौर पे और 1,80,000 रुपीज गुडविल के तौर पे। क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि जो एक्वायर किया शेयर वो इक्वली एक्वायर किया गया पी एंड क्यू से। तो यहाँ पे आप देखिए, पी और क्यू ने सेक्रीफाइस किया होगा। यहाँ पे बता भी रखा है कि इक्वली सेक्रीफाइस किया है दोनों ने। अब होगा क्या, जब पी और क्यू ने सेक्रीफाइस किया है ना, तो बदले में जो गेनिंग पार्टनर है, जो कि इस केस में कौन है गेनिंग पार्टनर आर, वो करेगा क्या, वो इसे कंपनसेट करेगा एज एन गुडविल। जो गुडविल यहाँ पे मेंशन है 1,80,000 रुपीज की, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पी और क्यू में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऐसा क्यों करेगा आर? क्योंकि उन्होंने आर के लिए सैक्रिफाइस किया है। किसने? पी और क्यू ने। जिसके बदले में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ओल्ड पार्टनर्स में होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पता करेंगे। आर का शेयर हमें पता है 4/9 है, जो कि इक्वली एक्वायर किया गया है पी एंड क्यू से। इक्वली मतलब 1/2 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आपको पता करना है कि पी ने कितना सरेंडर किया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/9 से करेंगे तो पता चलेगा आपको कि 2/9 का शेयर पी ने सरेंडर किया है। 2/9 कैसे आया? 4/18 होगा, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 2/9 आएगा। सेम इसी तरीके से क्यू ने कितना सरेंडर किया है, 1/2 मल्टीप्लाई 4/9 करेंगे तो ये भी 2/9 आएगा। मतलब कि 4/18 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/9 आएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया कि पी ने 2/9 शेयर सरेंडर किया है, क्यू ने भी 2/9 शेयर सरेंडर किया है। अब न्यू रेशो आपको पता करना है। तो यहाँ पे पी का न्यू रेशो क्या होगा? इसका ओल्ड रेशो कितना था? 2/3 माइनस कर दीजिए 2/9, जितना इसने क्या करा है, सरेंडर किया है। एलसीएम यहाँ पे 9 आएगा। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, 3 2 6 हो जाएगा। 9 के टेबल में 9 1 पे आता है, 1 2 2 हो जाएगा। माइनस करके 4/9 आएगा। अब हम Q का न्यू शेयर पता करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो था 1/3, Q का माइनस कर दीजिए जो उसने सरेंडर किया है 2/9। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 ही एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 3 - 2, माइनस करने पे 1/9 आएगा। तो ये Q का न्यू शेयर है। R का न्यू शेयर हमें पता है 4/9 है। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो यहाँ पे जो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो होगी 4:1:4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने पता कर ली। अब जब आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर लिया, तो अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे जो आपको सिनेरियो लेकर चलना है, वो चलना है गुडविल इज रिटेन इन दी फर्म। गुडविल रिटेन हो रखी है फर्म में, मतलब की फर्म में पैसा आया है। तो इसके लिए दो जनरल एंट्री होगी आपकी। इस केस में आपको दो जनरल एंट्री जो करनी है, पहली जनरल एंट्री है कि फर्म में पैसा आया है, तो रिटेन मतलब कि गुडविल रिटेन हुई है फर्म में। तो फर्म में पैसा आया है, बिल्कुल पैसा आया है, क्योंकि जब आर आया था तो कैश भी लेके आया था, वो गुडविल भी लेके आया था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर आप कैश अकाउंट डेबिट मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आप मेंशन करेंगे टू करके मेंशन करेंगे, टू आर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही मेंशन करना है। कितने का टोटल अमाउंट है? 4,30,000 रुपीज का टोटल अमाउंट है गुडविल और कैश का मिला के। कैश कितना था जो उसने कैपिटल के तौर पर लाया है? 2,50,000 का। और प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट है 1,80,000 रुपीज का। इसके बाद नरेशन लिखेगा, आर एडमिट इन पार्टनरशिप अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन होगी, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसमें क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एल और एम में क्या होगा कि अमाउंट को, गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली सरेंडर किया था ना इन्होंने। क्वेश्चन में मेंशन था कि बोथ पार्टनर ने जो शेयर है आर के लिए इक्वली सरेंडर किया है। तो यहाँ पे
हाफ हाफ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल था 1,80,000 रुपीज का, आर के हिस्से में 90,000 आएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एम कैपिटल अकाउंट में 90,000 आएगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी, इक्वली थी, 1:2 थी। इसके बाद आपको गुडविल यहाँ पे नरेशन लिखनी है, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।